Honorable Minister, to kindly inaugurate the mobile satellite phone service, and I request Veer Kamal Chopra ji to help in this. And Minister is going to talk to CGM UP West, Mr. H.S. Sharma, on mobile satellite phone. देश को एक नई सर्विस आज मिली है, इसके लिए हम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अनुपम श्रीवास्तव जी, दूर संचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सिलसलम जी, डायरेक्टर श्री एन के मेहता, BSNL के सभी निदेशकगण, INMARSAT के प्रेसिडेंट ग्लोबल बिजनेस मिस्टर एनडी स्टार्ट, सभागार में उपस्थित DOT, BSNL, TCIL के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवी और सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में दो योजनाएं दूर संचार मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। पूरा देश जब पंडित दीनदयाल जी की जन्मशती मना रहा है, तो हमारे मंत्रालय ने भी दो योजनाएं आज प्रारंभ की हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप में देश नहीं दुनिया ने उनमें एक नया स्वरूप देखा था। स्वदेशी और विकेंद्रीकरण, ये दो ऐसे मूल अवयव थे जिसको लेकर के दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरी दुनिया को एक नया आर्थिक और सामाजिक चिंतन दिया था। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ समाज का व्यक्ति कैसे उसके जीवन में कुछ बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए पूरे जीवन भर उन्होंने काम किया। और इसीलिए जो बात अभी हमारे डीडी जी ने आपको बताई कि एक योजना जो कौशल विकास से संबंधित है, 10 ऐसे स्थानों पर देश भर में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, और 10,000 लोगों को पहले चरण में हम प्रशिक्षित करेंगे। ये पायलट के तौर पर अभियान हमने शुरू किया है, आने वाले दिनों में इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर पूरे देश में हम लागू करेंगे। अभी जिन राज्यों को चयनित किया है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्य हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसे पूरे देश में हम प्रारंभ करने वाले हैं। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जिस तरह से बढ़ रही है, और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा है, उसका एक प्रमुख स्तंभ भारत नेट की परियोजना है, जिसमें लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2018 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हम पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि इसके पहुंचने के बाद अभी जो गांव में लड़के दिखाई पड़ते हैं, कोई मोबाइल चिप बेच रहा है तो कोई मोबाइल की मरम्मत कर रहा है, मुझे लगता है कि टावर मेंटेनेंस कैसे होगा इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जो केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल देश भर में डाली जा रही है, अगर छोटी मोटी खराबी होती है तो कैसे उसे ठीक किया जाए, इस तरह के युवा मुझे लगता है कि BBNL को या बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं उनको भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए मंत्रालय ने तय किया कि BSNL, TCIL और हमारी जो भी तकनीकी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम आगे चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी का स्वयं स्किल इंडिया का जो नारा है, और एक अलग से उन्होंने नया विभाग ही भारत सरकार में बना दिया है स्किल डेवलपमेंट का, मैं समझता हूँ उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे,
और जो संसाधन इस देश के पास उपलब्ध हैं उनका अधिकतम उपयोग हम कर सकेंगे। 65% आबादी हमारे देश की युवा है और ये हमारी असली ताकत है। इस में सब कुछ है, सामर्थ्य है, क्षमता है। मुझे लगता है कि उनके कौशल को विकसित करके सही दिशा में लगाना ये एक बड़ा उद्देश्य सबके सामने है, जिस दिशा में इस मंत्रालय ने एक आज शुरुआत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में देश के युवाओं को प्रशिक्षित करके इस पायलट परियोजना को केवल पायलट के रूप में नहीं बल्कि वास्तव में जिसको पूरा देश एक मान्यता दे सके ऐसी परियोजना हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बनाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान अभी हम 10 स्थापित कर रहे हैं, ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या 1000-2000 के ऊपर जाए, इस दिशा में मंत्रालय काम करेगा। जो नए स्टार्टअप्स हैं या जिन लोगों ने इनोवेटिव काम किया है इस क्षेत्र में उनको सरकारी तौर पर पुरस्कृत करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज से वो व्यवस्था भी इसमें हमारे मंत्रालय ने शुरू की है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान अलग और ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा आज से की जा रही है। जो युवा इस दिशा में काम कर रहे हैं मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा अवसर है, उनको प्रोत्साहन मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा और एक विधिवत जूरीज का गठन करके जिन लोगों ने देश भर में इस क्षेत्र में इनोवेटिव काम किया है उनको चिन्हित करना और उन्हें पुरस्कृत करना ये काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। मोटे तौर पर अभी लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का एक लक्ष्य हमने रखा है। प्रति व्यक्ति 6,730 रुपए का खर्च एक युवा को प्रशिक्षित करने में ये विभाग द्वारा खर्च किया जाएगा और मुझे ये बताया गया है कि ITI, MTNL, TCIL, BSNL जितने हमारे इस तरह के उपक्रम हैं सभी मिलकर के इस योजना को चलाएंगे। भारत यहाँ विविध भाषाओं का देश है, विविध संस्कृतियों का देश है। मुझे लगता है कि एक और खासियत है कि इतने बड़े विशाल देश में प्रशिक्षण भी उन्हीं भाषाओं में दिया जाए ये बड़ा आवश्यक है और ये भी हमने तय किया है कि अगर तमिलनाडु में है तो तमिल में दिया जाए, कर्नाटक में है तो कन्नड़ में दिया जाए, इसका भी ध्यान हम भविष्य में रखने वाले हैं और निश्चित रूप से प्रशिक्षण की सामग्री का अनुवाद इन सभी भाषाओं में भारतीय भाषाओं में करके हम देश के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास की प्रक्रिया को सरल बना करके सरलीकृत करके उनके लिए उपलब्ध कराएंगे ताकि सामान्य ढंग से वो अच्छी ट्रेनिंग पा सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूर संचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार जो दूसरा कार्यक्रम हमने बताया आपको, जिस तरह से आज आवश्यकताएं बढ़ रही हैं दूर संचार कौशल की सेवाओं में, विनिर्माण में, कृषि में, वाणिज्य में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, मुझे लगता है कि दूर संचार पर निर्भर क्षेत्र समाधानों में दूर संचार एप्लीकेशंस का भी अपना एक अलग महत्व है। इन सभी क्षेत्रों में जो लोग भी अच्छा काम करेंगे उन्हें इसके माध्यम से हम पुरस्कृत करेंगे। ये दूर संचार क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार की ओर से कोई पुरस्कार घोषित किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस कौशल विकास अभियान में सभी स्टेक धारक सक्रिय रूप से भागीदार हों और मैं इन दोनों कार्यक्रमों के सफलता की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्रालय और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी मिलकर के इस अभियान को निश्चित रूप से सफलतापूर्वक अंजाम देने का काम करेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड मीडिया के लोग हैं इसलिए मुझे कहना जरूरी है कि अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ कुछ लोगों के मन में है लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि ये BSNL का फोन नहीं लग रहा है। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि BSNL वहाँ है जहाँ कोई नहीं है, बाकी लोग वहाँ हैं जहाँ व्यापार है और भारत संचार निगम लिमिटेड वहाँ भी है जहाँ व्यापार नहीं है। इस मूल अंतर को मुझे लगता है सबको समझने की जरूरत है। आज एक नया काम BSNL ने
किया है। इस देश में 3 वर्ष पहले जो परिवर्तन हुआ था, जो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी रुचि टेक्नोलॉजी में और उसके प्रयोग में जितनी है, मैं समझता हूँ कि शायद इसके पूर्व लोगों की रुचि उतनी नहीं रही, और इसके कारण अनेक इस तरह के कार्यक्रम देश में प्रारंभ हो चुके हैं। 3 वर्षों में मैं कह सकता हूँ 4G, वाईफाई, NGN सेवाओं में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें हुई हैं, और डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न है प्रधानमंत्री जी का कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 60 करोड़ लोग जो अभी अनकनेक्टेड हैं, जो एक बड़ा भारी डिजिटल डिवाइड है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो, इसके लिए जो परियोजना शुरू हुई है 18 दिसंबर तक, मैं समझता हूँ कि उसके पूरा हो जाने के बाद देश के 60 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड का उपयोग सीधे तौर पर कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस योजना में रुचि दिखाई है स्वयं। मुझे लगता है कि जब समीक्षा वो करते हैं तो जिन योजनाओं की समीक्षा करते हैं उसमें सबसे पहले डिजिटल इंडिया का जो ये प्रमुख स्तंभ है भारत में, उसकी भी समीक्षा करते हैं। इसी के कारण विदेशी पूंजी निवेश आज देश में सबसे ज़्यादा हुआ है, नए नए मोबाइल ऐप डिजिटल भुगतान के लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए, पुलिसिंग के लिए, शासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, कृषि के लिए आज उपलब्ध हुए हैं। और जब से विमुद्रीकरण हुआ, मैं समझता हूँ कि देश में डिजिटल भुगतान कैसे हो, कैशलेस इकोनॉमी कैसे हो, इस दिशा में अनेक प्रयत्न सरकार के की ओर से भी हुए हैं और देश के तकनीकी लोगों की ओर से भी हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आज डेटा के इस्तेमाल में हम गर्व से कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन से भी भारत आगे हो गया है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और जो दूसरी बात है कि 50% इंटरनेट का प्रयोग स्थानीय भाषाओं में करने वाले लोग, चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगला हो, हिंदी हो, इसी देश में पाए जाते हैं। बाकी देशों में स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या इतनी नहीं है जितनी हमारे देश में है। दूरसंचार और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की अहम भूमिका रही है, और दूरसंचार में अनेक नए माइलस्टोन भारत संचार निगम लिमिटेड ने हासिल किया है। कला घोटू प्रतियोगिता के बावजूद अपना स्थान बनाए रखना, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से BSNL के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले साल लगभग 3800 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, और जो आंकड़े आ रहे हैं मुझे लगता है इस वित्तीय वर्ष में उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट BSNL का रहने वाला है। एक धारणा जो बनी थी भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में, हमारे मित्र हैं मौलाना साहब, कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा है क्या इसका फुल पार। मुझे लगता है कि वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई 2006 में, अब बेहतर सेवा की नई लगन की ओर BSNL बढ़ रहा है, और उस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। और उसी के क्रम में उपग्रह दूर संचार में एक नया आयाम लेने जा रहा है, ग्लोबल सेटेलाइट फोन सर्विस एक अत्यधिक आधुनिक नायाब दूर संचार सेवा है, जो उपग्रह गेटवे के माध्यम से आज हम प्रदान करने जा रहे हैं। अभी पहले चरण में नेचुरल कैलेमिटीज में NDRA या रेल दुर्घटनाओं के समय सरकारी संस्थाओं को CRPF, BSF, स्टेट पुलिस, अभी इन संस्थाओं को हम देने जा रहे हैं। आगे जैसा अभी बताया गया कि केवल इससे अभी मोबाइल और SMS की सुविधा होगी, आगे जब आप हवाई जहाज से इराक पहुंचेंगे तो भी बात कर सकेंगे, या शिप से जाएंगे तो भी बात कर सकेंगे, इस पर भी BSNL काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये इंटरनेट की सुविधा, डेटा की सुविधा, हवाई जहाज और शिप पर भी लोग बात कर सकें, इस दिशा में जो प्रयत्न है वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। मैं BSNL और INMARSAT के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि दूरसंचार, BSNL और INMARSAT के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुँचाने में समय सीमा के भीतर
कामयाब होंगे। मैं पुनः एक बार इस परियोजना से जुड़े हुए सभी अधिकारियों BSNL के डीओटी के और इनमार्सेट के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में शरीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर आपके उद्घोषण।